MH1 न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम है शील मधुर और ये हरियाणा के IPS अधिकारी रहे हैं। DGP स्तर पर DGP विजिलेंस के रूप में इन्होंने काफी लंबा समय काम किया। इसके अलावा पुलिस तंत्र में रहते हुए इन्होंने जिस प्रकार से सामाजिक कार्यों में भी भाग लिया और आप देखें कि ये बैनर जो पीछे है इस पर प्रणाम तिरंगा लिखा हुआ है, यानी ये इनकी अब मुहिम है कि तिरंगे का सारे सम्मान करें, उसको प्रणाम करें और तिरंगा हमारे देश की शान है और आन है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तिरंगे को लेकर जो शील मधुर जी की मुहिम चल रही है इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर आपका MH1 में स्वागत है। थैंक यू सर। जो ये प्रणाम तिरंगा ये मुहिम क्या है? ये तिरंगे का जो एक तरीके से हर व्यक्ति का जो जन्म दिवस होता है, इसी प्रकार से हमारे तिरंगे का भी जो जन्म हुआ वो 22 जुलाई 1947 को हुआ था। संविधान समिति के द्वारा इसको अप्रूवल दिया गया था, सैंक्शन किया गया था कि इस प्रकार का हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा स्वतंत्र देश का और उसके अंदर ये आदर्श होंगे। लाल रंग जो उसका केसरी रंग है, सफ़ेद रंग है, चक्र है, ग्रीन कलर है, सबके पीछे एक आदर्श और विचार और मूल्य है। तो उन मूल्यों को आगे ले जाने के लिए हमने 2021 में 26 जनवरी को हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा पहुंचाने का संकल्प लिया था और बहुत सी तिरंगा यात्राएं निकाली थी और उसके उसका मकसद यही था कि लोगों के पास जो है स्वार्थ से बढ़कर के देश प्रेम और देश के हित में, सामाजिक इंटरेस्ट में, दूसरे के हित में भी कार्यों को करें, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि हरा रंग जो है खुशहाली लाने का प्रतीक है। तो हर आदमी को जीवन में उसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, सबका अधिकार है। इसी प्रकार से हर आदमी को अच्छा रोजगार मिलना चाहिए, वो भी सरकार की जिम्मेवारी मैं समझता हूँ, हर आदमी को मिलना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ पाएगा, जो तिरंगा का ये जो मैसेज है। इसलिए मैंने 2021 में 26 जनवरी को शुरू किया था और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि उसको 1-1.5 साल के बाद जो है केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगे के नाम से पूरे देश में उसको फैला दिया, क्योंकि अब मैं तो इतनी जल्दी पूरे देश में नहीं फैला सकता था, तो हमारे पास इतने संसाधन नहीं होते हैं, लेकिन सरकार ने इसको किया तो उसका धन्यवाद ही करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ जो हमने एक और मुहिम छेड़ी हुई थी कि हर हर तिरंगे घर घर तिरंगे के अलावा हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसके सम्मान में, जैसा कि विश्व में जितने भी देश हैं सभी देश का एक झंडा होता है, रिप्रेजेंट करता है, और उसके सम्मान में डेवलप्ड कंट्रीज हो चाहे अनडेवलप्ड हो, हर एक अपने अपने फ्लैग के सम्मान में एक राष्ट्रीय ध्वज दिवस नेशनल फेस्टिवल मनाता है, जिससे लोगों में देश प्रेम की भावना और जो उनका मैसेज है देश के लिए उनके तिरंगे का वो आगे बढ़ता है। तो लेकिन हमारे देश में अभी तक ये नहीं हुआ है। मैंने कितने ज्ञापन दे दिए, राष्ट्रपति महोदय को भी दिया, प्रधानमंत्री महोदय को भी दिया, कई कई बार दिया, न्यूज़पेपर के जरिए दिया, लेकिन अभी तक वो चीज़ अभी नहीं हो पाई है। तो इसलिए इस बार हमने ये मुहिम चलाई है कि भाई 22 जुलाई के सम्मान में, तिरंगा दिवस के सम्मान में, मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ और विशेषकर यहाँ पे जो चंडीगढ़ में मैं इसीलिए आया हूँ कि जो चंडीगढ़ की जो धरती है, जो अपने जिसमें कि पंजाब है, हरियाणा है और ये अपना हिमाचल के जो लोग हैं, जो लोग सारे लोगों का जो क्षेत्र है, ये शूरवीरों का क्षेत्र है, यहाँ पर सैनिक बहुत हैं, यहाँ पे जो हमेशा जो है संघर्ष करते रहे हैं देश की अस्मिता अस्तित्व के लिए, ये लोग जो है सदियों पुरानी आप हिस्ट्री देखिए कितने लंबे समय से लोग बाहर से आक्रांता आते थे, तो यही लोग झेलते थे और देश को बचाते थे। तो इनके अंदर जो देश की का महत्व है उसी प्रकार से झंडे का भी महत्व इनके अंदर बहुत ज्यादा है। धन्यवाद शील मधुर जी। तो देखिए पूर्व DGP हरियाणा, पूर्व IPS अधिकारी, हरियाणा की पीड़ा स्वाभाविक है और जायज है। फिलहाल देखने वाली बात ये रहेगी कि तिरंगे की आन बान और शान और इसके जन्मदिन मेरे कितने लोग कब तक शामिल होंगे, ये क्वेश्चन मार्क अभी भी लगा हुआ है। कैमरामैन अमर सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।